हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पहली कक्षा में आए हैं कुछ कमजोर बच्चों से। कमजोर बच्चों यानी कि थोड़ा उनको अक्षर ज्ञान थोड़ा कम है, इसीलिए उनको आज हम अक्षर ज्ञान के बारे में पूछते हैं और उन्हें डिटेल में बताते हैं। तो फ्रेंड मेरे साथ बनी रहे, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, कॉमेंट करे, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बच्चों बोलो, ये कितना मैंने लिखा, ये कितना है, ये ये कितना है, चार, ये चार, ये चार है रे, पांच, चार कौन बोला रे, चार, ये कितना है, चार, हाँ, ये कितना है, छह, अरे छह हो गया, सात है, ये छह, ये क्या लिखा मैंने, अब मैंने क्या लिखा, नौ हो गया, क्या हो गया, नौ, यानी संख्या एक से नौ तक होता है। एक से पहले क्या लगता है बोलो, एक से पहले जीरो लगता है, जीरो जीरो होता है, क्या होता है, अच्छा ये कितना है, चलो एक हमने लिख दिया और एक में यह जीरो मैंने दे दिया, कितना हो गया, दस हो गया, ये कितना है, दो, चलो मैंने यहाँ दो लिखा, अब दो में एक जीरो दिया, कितना हुआ, बीस हुआ, अब ये क्या है, तीन, तीन में एक जीरो दे दिया, कितना हो गया, बीस हुआ, अब देखो ये कितना है, चार में हमने एक जीरो दिया, कितना हुआ, चालीस, ये कितना है, पांच में हमने एक जीरो दे दिया, कितना हो गया, पचास, अब ये कितना क्या है, छह, छह में एक जीरो दे दिया, क्या हो गया, सात, ये कितना है, सात में हमने एक जीरो दिया, कितना हो गया, सात, सात, ये कितना है, आठ, आठ में एक जीरो दिए, अस्सी हो गया, ये कितना है, नौ, नौ में एक जीरो दिया, कितना हो गया, नब्बे, नब्बे हो गया, नब्बे तक लिख लिया समय जीरो। अच्छा एक बताओ, एक पहेली है, मैं एक पहेली बताता हूँ, जिसको पूछेंगे वही बताना, ठीक है, एक देखा ऐसा भी, एक देखा ऐसा भी, तो गाना गा के मारे तीन, क्या है, वाह जोरदार ताले बजन के लिए बोल दिया, जोरदार। अब देखो सब में जीरो लग गया तो उसका दस गुना मान पड़ गया, कितना, दस, जीरो लगे क्या होता है, दस गुना, अब एक रुपया था जीरो लगा दस रुपया हो गया, या एक वस्तु था जीरो लगा दे तो दस गुना पड़ गया, कितना, एक जीरो में कितना गुना बढ़ता है, दस गुना बढ़ता है। अब देखो नब्बे तक लिख लिए, अब चलो ये कितना है, एक, इसमें एक जीरो थी, कितना हुआ, यानी दस हुआ, ये कितना गुना बढ़ा, दस गुना बढ़ गया। अच्छा बोलो इसमें एक जीरो और देख ले, एक सौ, यानी ये सौ गुना बढ़ गया, कितना, सौ, माने एक रुपया था उसमें एक रुपया में दो सौ जीरो लगाया, सौ रुपया हो गया। अब बोलो ये कितना है, ये कितना है, दो, दो में एक जीरो दे, कितना होगा, बीस, इसका भी दस गुना, दो ढाई बीस, कितना, यानी कि दस गुना बढ़ गया। अब एक जीरो और देते हैं, बीस का बीस, दस गुना, बीस दस गुना बढ़ गया, बीस ढाई दो सौ गया, चलो ये कितना है, तीन, तीन में एक जीरो देते कितना होता है, तीन बार जीरो, तीस, यानी तीन जो है दस गुना बढ़ गया। अब एक जीरो और देंगे, ये कितना, कितने हो गया, तीन सौ, अब यहाँ लिखेंगे चार, चार में एक जीरो दे कितना गया, चालीस, एक जीरो और दो जीरो कितना गया, यानी दस गुना, चालीस दस चार सौ, दस गुना, पांच पर एक जीरो पचास, एक जीरो और देंगे तो पांच सौ, ये भी दस गुना बढ़ गया। अब चलो कितना है, ये छह, छह में एक जीरो देंगे तो साठ, दस गुना छह धन साठ हुआ, अब साठ में एक जीरो और देंगे तो कितना, छह सौ, कितना बढ़ गया, छह सौ, यानी दस गुना, हर जीरो पर दस गुना बढ़ रहा है, ये कितना है, साठ में एक जीरो देंगे कितना होगा,
70, एक जीरो दे देंगे तो 700, 10 गुना हर जीरो पर 10 गुना बढ़ रहा है, ये कितना 8 पर एक जीरो देंगे तो 80, अब कितना गया कितना 800, अब ये कितना है 9 पर एक जीरो 900 गया। अब देखो, अब 9 के बाद अंक नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, इसी को दोहराते हैं, दोहराने की पहला क्या है, एक है, एक पर एक जीरो 10 होता है और 2 जीरो 100 हो गया, 100 एक जीरो और 100 का भी यह 10 गुना बड़ा 1000, एक पर इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये इकाई इकाई दहाई सैकड़ा, बोलो इकाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 अंकों को सैकड़ा कहते हैं और 4 अंकों को हजार में, 5 अंकों को 10,000, 6 अंकों से लाख शुरू होता है।